के गौरी देवी महिला महाविद्यालय में एबीवीपी पैनल के अध्यक्ष पद पर जया सैनी ने 118 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भावना नरुका, महासचिव पद पर दीप माला और निर्दलीय संयुक्त सचिव के प्रत्याशी पद पर दीक्षा सैनी ने विजय प्राप्त की। महाविद्यालय चुनाव अधिकारी ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाली जया सैनी ने बताया कि महाविद्यालय में खेल शिक्षक का अभाव है, वहीं कॉलेज परिसर में साफ सफाई सहित छात्राओं की अन्य समस्याओं को हल करेंगे। जया सैनी ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा, मेरी माँ ने मेरे चुनाव में प्रचार किया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। गौरी देवी महिला महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी आरती झीरवाल ने एबीवीपी प्रत्याशी के जीतने पर अपना विरोध दर्ज कराया। चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रत्याशी ने वोट डालने में मनमर्जी करने का आरोप लगाया। मीडिया के सामने धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, वोट गलत डाले गए, गिनती में गड़बड़ी की गई, एक टेबल पर गिनती दोबारा कराई गई जिसमें दो वोट गलत निकले। हारी प्रत्याशी ने मतदान गिनती के दौरान हस्ताक्षर नहीं करने पर महाविद्यालय प्रशासन पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। इसे मैं 118 वोटों से विजयी हुई हूँ। मेरी कॉलेज में प्राथमिकता यह रहेगी एमकॉम एमएससी नहीं, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है। हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स है लेकिन स्पोर्ट्स के लिए ना कोई टीचर है। मैं चाहूंगी कि आई लेडीज टीचर आए हमारे स्पोर्ट्स के लिए, लड़कियां जिससे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। हमारे कॉलेज में साफ सफाई की सभी सुविधाएं मैं करवाऊंगी। मेरे पूरे पैनल में से मेरी उपाध्यक्ष बहन भावना नरुका विजयी हुई है, दीपमाला डिगवाल, दीपांशी छावड़ा 75 वोटों से रही है, हारी हुई। मैं 118 वोटों से जीती। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं अपने पूरा जीत का श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल किया कि आगे राजनीति का पहला कदम ने कैसे। आपकी मदर ने भी आपके मेरी मम्मी की बहुत मेहनत काम आई मेरे, कि वो हमेशा मेरे साथ आई जब तक मैंने वो करवाई, आज भी वो वेट कर रही है मेरा। आरती झीरवाल को मिले हैं 489 वोट और जय सैनी को मिले हैं 587 वोट, 97। ये 118 मतों से जीती है अध्यक्ष पद के लिए, और उपाध्यक्ष पद के लिए इशिका शर्मा 495 ही है, नहीं 85, भावना नरुका 523 और ये 38 मतों से जीती है, और महासचिव पद के लिए ज्योति 483 और दीपमाला 501, ये 18 मतों से जीती है, और संयुक्त सचिव पद पे दीपांशी छाबड़ा 450, दीक्षा सैनी 525, ये 75 मतों से जीती। हमारे हुई है 24.99। वोटिंग की काउंटिंग चल रही थी, जो काउंटिंग के लिए गर्ल्स को बुलाया था उन्हें पहले ही बाहर भेज दिया गया था। काउंटिंग टीचर्स कर रहे थे एक साथ, दो इधर से काउंटिंग हो रही है, इधर भी काउंटिंग हो रही है। हम कहाँ ध्यान देंगे, हम एक जगह ध्यान देंगे। फर्स्ट काउंटिंग में भावना का क्लियर था, ठीक है, सेकंड काउंटिंग में मेरा क्लियर, थर्ड काउंटिंग में उसका पूरा क्लियर था। मैंने बोला, बीच में चल रही थी थर्ड काउंटिंग, मैंने बीच में रोक दी। मैंने बोला आप वापस काउंट करो पहले वाले, जो पहले काउंट किए थे उसमें दो तीन वोट उसके गलत निकले थे, वो मैंने निकलवा दिए। उसके बोला अब काउंटिंग तो सही चल रही है। मैंने बोला नई काउंटिंग नहीं होगी, ना मैं सिग्नेचर करूंगी, क्योंकि कल थर्ड और फोर्थ रूम नंबर में इन्होंने कुछ तो किया था, क्योंकि हमारे कैंडिडेट नहीं था, वहां हमारी गलती है, चलो हम मानते हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है ना वहां पे, जो बाहर वो पुलिस प्रशासन बैठा था उसको बाहर भगा दिया, वो भी नहीं था वहां पे, मैं देख के आई हूँ खुद अपनी आंखों से, वहां कोई बैठा हुआ नहीं था। थोड़ी देर बाद दो तीन पुलिस वाले आके बैठ गए, उससे पहले हो चुका था जो होना था, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। और जो काउंटिंग वाले बाहर भेज दिए थे इन्होंने, आपने उनसे सिग्नेचर दी, बोली उन्होंने क्या धमकी दी आपको सिग्नेचर पे, उन्होंने ये कहा बेटा तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, केस चलेगा और पता नहीं क्या क्या बोलना चाहते थे वो। बहुत प्यार से मीठे मीठे वर्ड्स बोले, हमारे टीचर्स इतने प्यारे हैं, इतने प्यार से बोला इन्होंने मुझसे। कितने वोटों से आपको निराशा का सामना करना पड़ा? 25 कुछ वोट थे ऐसे इन्होंने बताया।